अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में कहीं भी मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी भी पैथी का मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप सरकारी यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी के माध्यम से आपने कोर्स किया हुआ है, ट्रेनिंग लिया हुआ है, तो ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि मानव शरीर पर किसी प्रकार की औषधि प्रयोग करने के पहले उसकी लाभ हानि का जानकारी आपको होना जरूरी है, और ये जानकारी जब आपके पास नहीं रहता है, आप किसी को दवा देते हैं, उसकी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं होती है, रजिस्ट्रेशन आपका नहीं होता है, तो आप पर दफा 302 मुजरिम होने का एक्ट लगता है। आपने जानबूझ करके किसी व्यक्ति को मृत्यु के लिए ललकारा है। इसलिए अगर आप मेडिकल प्रैक्टिस करते ही हैं, तो कम्युनिटी मेडिकल सर्विस CMSED कोर्स को कर लें और मानव सेवा करें। इसमें प्राथमिक उपचार करने के लिए एलोपैथिक सिस्टम से आपके जो दायरे में आता है उस दायरे के मुताबिक प्रैक्टिस करें, सर्दी खांसी बुखार डायरिया डिसेंट्री, और जो इन्फेक्शन छोटे छोटे होते हैं या किसी प्रकार की इमरजेंसी सेवा होती है, उस सभी इमरजेंसी सेवा को टेकअप करके आप रेफर कर सकते हैं। अभी भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, उस बीमारियों पर भी आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर के अवेयरनेस का काम करेंगे। चूँकि भारत में 60,000 से ऊपर लोगों पर एक MBBS डॉक्टर है, इसलिए आपकी उपस्थिति, आपका ट्रेंड होना अति आवश्यक है। आप अगर CMSED कोर्स कर लेंगे तो आपको प्रैक्टिस करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। रही बात केस की, तो MBBS MS FRCS डॉक्टर पे भी FIR लॉज होते हैं, लेकिन न्यायालय प्रक्रिया के माध्यम से उनकी निपटारा हो जाती है। इसी तरीका से आपके पास सर्टिफिकेट है, आप पर अगर किसी प्रकार की क्लेम FIR होती है, तो आप अपने दायरे में प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपकी भी समस्या का समाधान होगा, और CMSED काउंसिल आपके साथ बनी रहती है। इसमें लगभग 400 लीगल एडवाइजर एडवोकेट रहते हैं, जो आपकी सेवा में हर वक्त तत्पर रहते हैं, आपके साथ किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो इसके लिए लगे रहते हैं। तो अगर आप आर्थिक रूप से भी मजबूत नहीं है, तो आप CMSED कोर्स को किसी अगर हॉस्पिटल में, आपने जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल हो उस हॉस्पिटल से आप अपना 10 साल का अनुभव प्रमाण पत्र अगर प्रस्तुत करते हैं, तो डायरेक्ट एग्जाम में बैठ सकते हैं, और उसमें मात्र 7250 रुपया में आपका ये कोर्स हो जाएगा। उसके बाद आप CMSED काउंसिल से रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। ये जनवरी महीने में 20 तारीख से 23 तारीख तक परीक्षा होता है, और नवंबर में 18 नवंबर से 15 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन नामांकन फॉर्म फिलअप किए जाते हैं इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप भी सुरक्षित प्रैक्टिस करें, सम्मानजनक प्रैक्टिस करें, तो आप द वर्ल्ड एजुकेशन मेडिकल साइंस रिसर्च बिहार इंडिया के इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं और सर्टिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में कहीं भी मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी भी पैथी का मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं,